गुड इवनिंग, मैं संतोष प्रजापति इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आपने आज हम लोग एनस्क्लोजर से देख के क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे डिस्कस करेंगे। एनस्क्लोजर से देख के विषय में आप लोगों ने लाइन टू लाइन पिछले वीडियो में पढ़ा, जिसमें आपने पाया कि किस तरीके से क्रिमिनल माइंडेड फार्मर या गांव का रहने वाला व्यक्ति छोटी सी बात पर अपने एक बातों में अपने एक मित्र को दुश्मन बना लेता है, मारपीट राय हमला करता है, छुरा घोप करके उसे कुएं में मरा जान करके फेंक देता है और एक अनजान शहर में आकर के एक ज्योतिषी का वेश बनाता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें रखता है, पगड़ी बांधता है, सैफ्रॉन कलर का कपड़ा पहनता है और अच्छे से विवाह करके अपना जीवन गुजर बसर करता है। लेकिन जब उसका दुश्मन आ जाता है उसके सामने, तो भी वह बड़ी चालाकी से, अपना धैर्य नहीं होता है, फिर भी अपनी बड़ी चालाकी से अपने शत्रु से पीछा छुड़ा लेता है और अपने पूरे जीवन को कंफर्टेबल ढंग से अपने पत्नी अपनी बच्ची के साथ व्यतीत करता है। ये कहानी आप लोगों ने पढ़ी थी। आज उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका 3 लेसन पढ़ना है शॉर्ट स्टोरी में बोर्ड परीक्षा के लिए। आपने पहला लेसन पढ़ा था गोल्ड वॉच, उसमें भी आपने 8-10 क्वेश्चन पे डिस्कस किया। दूसरा लेसन एनस्क्लोजर से आर के नारायण साहब का है, इसमें भी आप 10, तो तीनों लेसन में आप 10-10 क्वेश्चन प्रिपेयर करो, कहानी को अच्छी तरीके से तैयार करो, क्योंकि नॉन डिटेल स्टडी है, ताकि आपके परीक्षा में आपको अच्छे अंक मिले। आइए देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ, वर्ड मीनिंग पर ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोलॉजर्स माने ज्योतिषी, प्रोफेशनल माने व्यावसायिक, इक्विपमेंट मीन्स सामान, कंसिस्ट ऑफ माने तो सम्मिलित होना, यानी ज्योतिषी के व्यावसायिक सामान में क्या क्या चीजें सम्मिलित थी, अर्थात ज्योतिषी अपने सामान में क्या रखता था। ज्योतिषी अपने सामान में, बच्चों याद रखो, 4 चीजें रखता था, मूल रूप से 4 चीजें। पहला ए डोजन कौरी से, दूसरा ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ विद ऑब्स्क्योर मास्टिक चार्ट ऑन इट, यानी एक रहस्यमयी वर्गाकार कपड़ा जिस पर एक वर्गाकार कपड़ा जिस पर रहस्यमयी आकृतियां बनी रहती थी, हम लोगों के समझ से परे थे। तीसरा ए नोटबुक, और चौथा ए बंडल ऑफ पालमायरा राइटिंग। ये 4 चीजें उसके पास थी, ठीक है। क्या क्या था? ए डोजन कोरिशन, ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्स्क्योर मास्टिक चार्ट ऑन इट, थर्ड ए बंडल ऑफ पालमायरा राइटिंग, एंड 4 नोटबुक। ये 4 चीजें थे, लेकिन उसको लिखें कैसे? आप देखो क्वेश्चन किसमें है, पास्ट में है, आपका जवाब भी पास्ट में ही बनना चाहिए। तो बनेगा क्या? The astrologer's professional equipment consisted, क्या हो जाएगा? Consisted, the astrologer's professional equipment consisted of a dozen, अब इसे भी जोड़ दो आप 4 चीजें, a dozen cowries, a square of cloth with obscure mastic chart on it, a palmyra writing and a notebook. ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड वन इवनिंग व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम। क्वेश्चन के भाव को समझना, जवाब लिखने में आसानी रहेगी। व्हाट हैपेंड वन इवनिंग, एक शाम क्या हुआ, व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम, जब ज्योतिषी घर जाने की तैयारी कर रहा था। प्रिपेयरिंग माने तैयारी करना। अब इसमें आप देखो 2 टेंस हैं, हैपेंड लगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वाज प्रिपेयरिंग लगा
पास्ट कंटीन्यूअस, यानी आपका क्वेश्चन पास्ट में है तो बेटा आप जवाब भी पास्ट में ही दोगे। What happened one evening when the astrologer was preparing to go home? क्या हुआ जब ज्योतिषी घर अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था? तो आधा जवाब आप क्वेश्चन में से ले लो। क्या बनेगा आपका? One evening when the astrologer was preparing to go home, इतना आप क्वेश्चन में से ले लो। कितना? One evening when the astrologer was preparing to go home, अब इसमें आंसर जोड़ा जाए। One evening when the astrologer was preparing to go home, a stranger came to him. A stranger came to him and challenged him to tell about him and his enemy. थोड़ा सा जोड़ना है, फिर से आप देखो। One evening when the astrologer was preparing to go home, a stranger came to him and challenged him to tell about him and his enemy. ठीक है? Now, third question. What was the first question of the stranger? अजनबी का पहला प्रश्न क्या था? How did the astrologer answer it? ज्योतिषी ने उसे क्या जवाब दिया? तो पहले देख लो, पहला क्वेश्चन क्या था? अजनबी ने ज्योतिषी से अपना पहला प्रश्न किया कि वह अपने वर्तमान तलाश में सफल होगा कि नहीं। ध्यान से समझना, जब आपको जवाब मालूम रहेगा तो आप आसानी से लिख लोगे। पहला क्वेश्चन अजनबी ने ज्योतिषी से किया कि क्या वह अपने वर्तमान खोज में सफल होगा कि नहीं, और हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर आंसर, ज्योतिषी ने उसका कैसे जवाब दिया। तो ज्योतिषी उसे जवाब देता है कि वह शत्रु जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, दूर कस्बे में 4 महीने पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये आपका दो क्वेश्चन है, तो जरा देखा जाए। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेंजर वाज, इतना क्वेश्चन में से ले लेना। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेंजर वाज, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा हुआ जवाब चॉइस में सफल होगा कि नहीं, तो इसीलिए आप कंजक्शन वेदर लगाओगे, तो बनेगा द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेंजर वाज वेदर ही वुड बी सक्सीडेड इन हिज प्रेजेंट सर्च आर नॉट। वेदर ही वुड बी सक्सीडेड इन हिज प्रेजेंट सर्च आर नॉट। How did the astrologer answer it? तो बनेगा the astrologer answered it. Did लगा है, answer आपका past में बनना चाहिए। The astrologer answered that his enemy whom he was looking for. चल looking for लगाओ चाहे searching लगाओ। That his enemy whom he was looking for had died 4 months ago in a far off town. ठीक। Now fourth question. What advice did the astrologer give to the stranger? ज्योतिषी ने अजनबी को क्या सलाह दिया? फिर क्वेश्चन देखिए, पास्ट में है, जवाब पास्ट में होना चाहिए। ये एडवाइस है, ध्यान से देखिएगा इसको, A D V I C E, ये आपका नाउन होता है, आपका वर्ब होता है। ध्यान रखना, सी लग गया तो नाउन, यस लग गया तो वर्ब। व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर, ज्योतिषी ने अजनबी को क्या सलाह दिया? पहले इसके अर्थ को समझ, ज्योतिषी ने अजनबी को सलाह दिया कि वह अपने घर जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने घर चला जाए और कभी दक्षिण की तरफ लौट करके ना आए। अगर वह उसके इस सलाह का पालन करेगा तो 100 साल तक जिएगा। ये सलाह दिया, अब इसको लिखेंगे कैसे ये देखा जाए। द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज्ड, स्पेलिंग आ देना, ए डी वी आई एस ई डी लिखोगे। द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज्ड द स्ट्रेंजर टू गो बैक टू हिज विलेज एज सून एज पॉसिबल एंड नॉट टू ट्रेवल
आगे, if you do this, you will live 100 years. ठीक है, यानी ज्योतिषी ने अजनबी को सलाह दिया जितने जल्दी हो वो अपने गांव चला जाए और कभी दक्षिण की ओर लौट करके ना आए, अगर वो ऐसा करेगा तो 100 साल तक जिएगा। Now, fifth question. Why had the astrologer left his village? ज्योतिषी ने अपना गांव क्यों छोड़ दिया? तो ज्योतिषी ने पहले क्वेश्चन का भाव समझो, टेंस समझो, हैड दिया हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, यानी ये वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट में है, तो जवाब भी पास्ट परफेक्ट में दे देना। ज्योतिषी ने अपना गांव क्यों छोड़ा? तो आप लग बनाओगे क्या? ज्योतिषी ने अपना गांव छोड़ा क्योंकि एक दिन वह खूब पिया, झगड़ा किया अपने साथी से और उसके बाद उसने उसे छुरा घोंप दिया और कुएं में उठा करके फेंक दिया। अपने दुश्मन से और पुलिस वाले से बचने के लिए वह अपना गांव छोड़ देता है। ठीक है, तो बनाओगे कैसे? The astrologer had left his village. इतना आप क्वेश्चन में ही assertive sentence बना लें। The astrologer left his village because one day he got drunk and quarreled his companion. After it, he stabbed माने छुरा घोंपना। He stabbed him and pushed him into a deep well. To escape from his enemy, to escape from the police, he left his village and adopted a profession of astrology. ठीक है? Next, how did the astrologer earn his living? ज्योतिषी अपनी जीविका कैसे कमाता था? Why was he forced to hide his identity? वह अपनी परिचय को छुपाने के लिए विवश क्यों हुआ? तो ज्योतिषी, इसमें दो क्वेश्चन हैं, दोनों आप अलग अलग, और अगर कभी बोर्ड परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन दे दें, तो आप उसे पैराग्राफ वाइज कर लो, एक पैराग्राफ में इस क्वेश्चन को, एक पैराग्राफ में इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग, ज्योतिषी अपनी जीविका कैसे चलाता था और वह अपने परिचय को छुपाने के लिए विवश क्यों हुआ? तो ज्योतिषी अपना जो जीविका था वो अभ्यास के द्वारा, जो ज्ञान था अभ्यास के द्वारा चलाता था। वह एस्ट्रोलॉजी के विषय में यानी ज्योतिषी शास्त्र के विषय में कुछ नहीं जानता था, फिर भी वो कमाता था। वह अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए मजबूर हुआ क्योंकि उसने अपने गांव में एक आदमी को छुरा घोंप दिया था और नदी में और कुएं में मरा जान करके फेंक दिया था, कोई उसे पहचान ना पाए, इसीलिए वह अपनी आइडेंटिटी को छिपाता था। तो बनाओगे क्या? द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग बाय हिज प्रैक्टिस नॉलेज। कैसा नॉलेज? बाय हिज प्रैक्टिकल नॉलेज लगाओ। द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग by his practical knowledge, as he knew nothing about astrology. He was forced to hide his identity because he stabbed a man in his youth and pushed him into a deep well, thinking him to be dead. Now, next question हम लोग देखते हैं। Now, seventh question हम लोग देखें। How much amount did the stranger give to the astrologer? अजनबी ने ज्योतिषी को कितने पैसे दिए? How much amount did the stranger give to the astrologer? ज्योतिषी को अजनबी ने कितने पैसे दिए? इतना तो मालूम है, 12.5 आना यानी 12.5 आना दिया था। अब आपको उसको सेट करना है कि हम कैसे लिखें, तो बनाओ कैसे? The stranger gave
12 एंड ए हाफ आना टू द एस्ट्रोलॉजर। फिर से तो क्या बोला, द स्ट्रेंजर गेव 12 एंड ए हाफ आना टू द एस्ट्रोलॉजर। नाउ एट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ हिज फोरहेड एंड आईज। हिज माने उसका, उसका माने किसका, ज्योतिषी का, ज्योतिषी के ललाट या माथे और आंख के विषय में संक्षिप्त वर्णन करो। तो ज्योतिषी का जो माथा था वो पवित्र राख और वर्मिलियन से तमकता रहता था, उसकी आंखें तेज असामान्य किरण से चमकती थी और उसकी आंखें रंगे हुए माथे और घनी काले गलमुच्छों के बीच में स्थित थी। तो दोनों का अलग अलग फैक्ट, माथे के विषय में जब लिखोगे तो माथे पे पवित्र राख और वर्मिलियन होती थी, आंख जो थी वो एबनॉर्मल ग्रीन से चमकती थी और थी कहां आंख, रंगा हुआ माथा और घने काले दाढ़ी मूछ के बीच में थी। तो बनाओगे कैसे इस क्वेश्चन का आंसर, द फोरहेड ऑफ द एस्ट्रोलॉजर वाज स्प्लेंडेंट। स्प्लेंडेंट माने चमकना, दमकना। द फोरहेड ऑफ द एस्ट्रोलॉजर वाज स्प्लेंडेंट विद सेक्रेड एश एंड वर्मिलियन, ये हो जाएगा माथे के विषय में। एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विद शार्प एबनॉर्मल ग्लीमिंग, दे वेयर बिटवीन, दे मतलब आईज के लिए, द आईज वेयर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स। नेक्स्ट, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिज वाइफ आफ्टर डिनर। ज्योतिषी ने अपनी पत्नी से रात्रि के भोजन के बाद क्या कहा, ज्योतिषी ने रात्रि के भोजन के बाद अपनी पत्नी से क्या कहा। तो पहले समझा, रात्रि के भोजन के बाद ज्योतिषी अपनी पत्नी से लेट होने का कारण भी बताता है कि आज वह इतने लेट से क्यों आया। वह अपनी पत्नी से अपने जीवन के विषय में, अपने अतीत के विषय में बताता है और यह भी बताता है कि एक बड़ा बोझ जो मर्डर का बोझ उसके मन पे था आज वो उसके मन से उतर गया है। तो बनाएंगे कैसे इसको, आफ्टर डिनर, इसी में से लो, आफ्टर डिनर या इस तरह आफ्टर टेकिंग डिनर द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिज वाइफ द रीजन ऑफ हिज बीइंग लेट। देखो, आफ्टर टेकिंग डिनर द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिज वाइफ द रीजन ऑफ हिज बीइंग लेट एंड ही टोल्ड द रियल फैक्ट टू हिज वाइफ अबाउट हिमसेल्फ and revealed that the burden of a murder had gone from his head. Now, last question. Why did the astrologer feel very uncomfortable in the presence of the stranger? अजनबी की उपस्थिति में ज्योतिषी बहुत बेचैन क्यों महसूस किया? Uncomfortable माने बेचैन। Why did the astrologer feel very uncomfortable in the presence of the stranger? अजनबी की उपस्थिति में ज्योतिषी बहुत बेचैन क्यों महसूस किया? तो बनाएंगे क्या? अजनबी की उपस्थिति में ज्योतिषी बहुत बेचैन महसूस किया क्योंकि उसने कस्टमर को पहचान लिया था। कस्टमर कोई और नहीं, उसका दुश्मन गुरु नायक था जिसको उसने छुरा घोंपा था और कुएं में फेंक दिया था, इसीलिए वह बहुत बेचैन था। तो बनाएंगे कैसे, देखा जाए। इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेंजर, क्वेश्चन में से ही आप लोग, अजनबी की उपस्थिति में द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। देखो डिड लगा हुआ है, इसलिए आप जब आंसर बनाओगे तो फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट लगाओगे। इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेंजर द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर रिकॉग्नाइज्ड दैट
customer was Guru Nanak. Whom he had stabbed and pushed into a deep well. फिर से समझिए. In the presence of the stranger, the astrologer felt very uncomfortable because the astrologer recognized that the customer was Guru Nanak, whom he had stabbed and pushed into a deep well. ठीक है. तो ये 10 क्वेश्चन है. आप इस 10 क्वेश्चन के नोट को बनाइए. फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिटरेचर का कोई और लेसन पढ़ेंगे. ओके, गुड नाइट.